नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एनएनसी न्यूज में। मैं हूं दिव्या भारती और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में तकरीबन 8 महीने राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब सरकार बनाने की गहमा गहमी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को भंग करके नए सिरे से शुरू करने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने स्वार्थ की राजनीति के चलते जनता को दलदल में छोड़ रखा है, उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, इसलिए वह चुनावों से भाग रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री 49 दिनों की सरकार चलने के बाद अब फिर से आने वाले चुनावों में जीत दर्ज करने का वादा कर रहे हैं। ये साफ जाहिर है कि दिल्ली में आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी बुरी तरह से हमारी आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत होगी। उसका एक छोटा सा डेटा मैं देना चाहूँगा। आज सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में महंगाई से दुखी हैं, बिजली और पानी के बिलों से। आज यही तो पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर राष्ट्रपति साहब ने मंजूरी दे भी दी है तो नंबर्स कहाँ से आएंगे? पिछले 8 महीने से अगर नंबर्स इनके होते तो अभी तक बना ही लिए होते, ये कोई इसकी वेट थोड़ी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट। हिसार में हिंदू महासभा ने लड़कियों के जींस स्कर्ट पहनने और मोबाइल रखने पर बंदिश लगाते हुए एक फरमान जारी किया। फरमान में उन्होंने कहा है कि लड़कियां ही रेप के लिए दोषी होती हैं। प्रदेश अध्यक्ष रमेश पानू की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बात कही गई कि लड़कियां या सब भड़काऊ कपड़े पहनकर लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इतना ही नहीं, 40,000 सदस्यों की इस बैठक में सभी को अपनी लड़कियों पर ड्रेस लागू करने की और मोबाइल नहीं देने की सलाह दी। आपको बता दें कि इस फरमान के खिलाफ खाप की महिला प्रधान सुदेश चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो जल्द ही हरियाणा के नए सीएम से मिलकर हस्तक्षेप की मांग करेंगी और उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। हरियाणा में इस टाइम 40,000 मेंबर बन चुके हैं, हमने हमारे ऊपर ये लागू किया है। हमारे परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य इसके ऊपर पहले अमल करता है और उसके बाद में हम आगे इसके ऊपर बोलते हैं। लड़के भी जिम्मेवार हैं, लड़के क्यों रखते हैं मोबाइल? स्कूल कॉलेज में लड़की नहीं रखेगी तो लड़का भी नहीं रखेगा, लड़का नहीं रखेगा तो वो लड़की को फोन नहीं करेगा, वो उसको मैसेज नहीं देगी। जब आपस में मैसेज होते हैं, जब ये टकराव होता कहीं ना कहीं, तो आप साधारण ड्रेस रखो, साधारण ढंग से। जब पहले भी हमारी लड़की सलवार कमीज पहनती थी, अब क्या हो गया? सलवार कमीज में क्या सुंदर नहीं लगती? बहुत सुंदर लगती है, पहने तो। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके के थाना गोगलपुरी के ब्रजपुरी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी। यह शमशान घटना तब हुई जब 64 साल की कमलेश सो रही थी, तभी मौका देखकर छोटे बेटे कुलदीप ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से मां को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर बड़े भाई ने कुलदीप का पीछा किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घायल मां को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि हत्या का कारण घर वालों द्वारा कुलदीप की शादी नहीं कराना बताया जा रहा था। क्या वो लाइसेंसी बंदूक? हाँ, लाइसेंसी घर में बंदूक है मेरे, तो उससे मारी गोली? हाँ, उससे लगे मेरे ख्याल से, बाकी तो कोई ऐसी चीज ही नहीं हमारे घर में। क्या नाम भाई का? कुलदीप। कहाँ पे है वो? वो थाने में। कितने बजे घटना हुई? करीब 4 बजे की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज पुलिस भले ही छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन बड़े और शातिर अपराधियों पर अभी भी पुलिस की पकड़ कमजोर दिखाई दे रही है। जी हां, कन्नौज की गुरसराहगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय प्रयाग स्थित आर्यवत ग्रामीण बैंक शाखा में बड़ी फिल्मी अंदाज में 6 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया। असलाहों की दम पर बदमाशों ने बैंक को स्ट्रांग रूम में रखे 5 लाख रुपए और कैश काउंटर पर रखे नकदी लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, लूट के दौरान बदमाशों का विरोध करने पर बैंक कैशियर को बट्टों से पीटकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस के अधिकारियों के होते हुए भी वे मौके पर बाद में पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस आयुर्वेद ग्रामीण बैंक ने बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, उसमें ना तो कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और ना ही कोई सुरक्षा गार्ड रखा गया था। जब बैंक बंद होने को था तो ग्रामीण आर्यव्रत बैंक में 5-6 लोग बैंक के अंदर घुसे। कैशियर ने बताया कि घुसते ही उन्होंने कैशियर के कमरे में एक लड़के ने उनके सिर पर कमंचे से बट मारा और बाद में उनसे चाबी लेकर, जो बैंक में तिजोरी रखी थी उसकी चाबी लेकर, उसमें से पैसा निकालकर
बदमाश भाग गए। बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे। इस संबंध में स्वाट टीम को, सर्विलांस टीम को और जनपद की अन्य टीमों को लगा दिया गया है। बहुत जल्द ही केस वर्कआउट करके अभी उसगण की गिरफ्तारी कराई जाएगी। गाजियाबाद के कवीनगर थाना क्षेत्र में बुलंदशहर रोड में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं आग पर काबू पाने में दमकल की करीब 40 गाड़ियां बुलाई गई थी, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, ये बेसिकली केमिकल फायर है और ये जो फैक्ट्री है वो सिंथेटिक यान बनाती है, और आग की जो भयावहता है उसको देखते हुए पूरे रेंज से फायर टेंडर्स बुलाए गए हैं। बुलंदशहर से, बागपत से, मेरठ से और हापुड़ से विशेष रूप से फोम टेंडर्स को बुलाया गया है। साथ ही साथ में हिंडन एयरफोर्स का जो बेस स्टेशन है वहाँ के ग्रुप कमांडर साहब से संपर्क किया है और उनके द्वारा यहाँ पर दो गाड़ियाँ भेजी गई हैं और वो अपना एक स्पेशल जो केमिकल फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है वो टेंडर भी भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बहुत चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दूध किसी गाय या भैंस से नहीं निकाला जाता बल्कि उसे बड़े दिमाग के जरिए तैयार किया जाता है, जिसमें रिफाइंड ग्लूकोज, डिटर्जेंट पाउडर और यूरिया के साथ साथ कई घातक केमिकलों से तैयार करके पानी में मिलाकर दूध बनाया जाता है। एक मुखबिर की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच के प्रभारी अजय चाहर ने अपनी टीम के साथ इसका खुलासा किया। पकड़े गए दो आरोपी राजेश और दिनेश भाइयों द्वारा चलाई जा रही थी यह फैक्ट्री। पुलिस ने छापे के दौरान 15 डिब्बे डी मैक्स डिटर्जेंट पाउडर, 1 किलो यूरिया, 2 टंकी खाद, 2000 लीटर मिलावटी दूध के साथ मौके से एक लोडर गाड़ी बरामद भी किया। किस तरह से तुम नकली दूध बनाते थे? सर, हम तो दीपक ताऊ, हम तो दूध बनवाते थे, हम नौकरी कर रहे थे वहाँ पर। नकली दूध बनाने का एक गैंग पकड़ा है और इसमें चार अभियुक्त नागेंद्र, राकेश, ठाकुर दास और मुकेश, जो आपके सामने है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें 6 मुलजिम भागे हुए हैं, जिसमें दीपक साहू, राजेश साहू, दिनेश साहू, अनिल और अन्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।